Hi student, welcome to RCI Azuhab online classes. Class 12 AG, subject biology, chapter 3, topic methi ya sarson ka moila, fenugreek and mustard aphid. Sabse pehle iska वर्गीकरण में वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले इसका वर्गीकरण जो है उसमें वैज्ञानिक नाम जो है इसका लिफेफिस इरीसाइनी। गण जो है वो हेमिप्टेरा। इसका कुल जो होता है इसका एफीडीडी। यहां देखेंगे वो वैज्ञानिक नाम लिफेफिस रिसाइमी, गण हेमिप्टेरा, कुल एफीडीडी। इसकी उपस्थिति, यह जो कीट है ये कहां कहां पर पाया जाता है? मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब, बिहार, राजस्थान, इन प्रदेशों के अंदर यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उपनाम, इस कीट को माहू कीट के नाम से भी जाना जाता है, माहू कीट, तो इसका उपनाम हो गया। लक्षण, माहू कीट जो होता है इसका प्रौढ़ या व्यस्क जो होता है वो पंख युक्त और पंख विहीन, दोनों प्रकार का होता है। यानी कि इसकी पंख जो होते हैं वो इसमें विकास, जैसे ही विकसित होता है प्रौढ़, मैच्योर होता है तो इसमें पंख आ जाते हैं, लेकिन अविकसित जो प्रौढ़ होता है उसमें पंख इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों प्रकार का होता है। ये पंख जो होते हैं ये पारदर्शक होते हैं, पंखों के आर पार इसको देखा जा सकता है, ये पारदर्शक होते हैं। इनमें से भी अगले जो पंख होते हैं वो पिछले पंखों की तुलना में ये बड़े होते हैं और पिछले पंख छोटे होते हैं। प्रौढ़ जो है वो पंखयुक्त पंख विहीन दोनों प्रकार के होते हैं, पंख पारदर्शक होते हैं, अगले पंख बड़े होते हैं और पिछले पंख छोटे होते हैं। इनका शरीर जो होता है उसकी लंबाई, इस कीट के प्रौढ़ जो है व्यस्क जो होता है इसका शरीर 0.1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 0.1 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इनका रंग जो होता है वो हल्का स्लेटी, रंग हल्का स्लेटी होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो उदर वाला भाग पाया जाता है, उदर, वो 9 खंडों में बटा होता है। उदर पेट वाला जो भाग है वो 9 खंडों के अंदर बटा होता है, प्रत्येक खंड के अंदर, इन 9 खंडों के अंदर प्रत्येक के अंदर
प्रत्येक खंड में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। मोम ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं जो कि मोम का श्राव करते हैं। उधर वाले जो खंड हैं उन सभी के अंदर मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा मोम का श्राव किया जाता है। उधर का जो लास्ट वाला खंड है नवा खंड, इसके अंतिम जो भाग पाया जाता है उसमें एनस गुदा जो उपस्थित रहता है, इसे एनस या गुदा के माध्यम से कीट के शरीर से मल बाहर आता है। ये मल जो है ये मोम के रूप में आता है, मल मोम के रूप में एनस से बाहर निकलता है मधुश्राव के रूप में। इसको मधुश्राव कर सकते हैं। यहां से मोम ग्रंथियां जो है उनसे श्रावित पदार्थ जो होता है वो मधुश्राव होता है जो कि नौ खंडों के माध्यम से होता है। नवा खंड जो है उसका अंतिम भाग एनस होता है जिससे मल मधुश्राव के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्षति या महत्व। क्षति के अंदर और महत्व में इस कीट की जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो इसकी लट अवस्था और प्रौढ़ जो अवस्था होती है ये दोनों होती है। दोनों अवस्थाएं पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। देखें इसमें क्षति महत्व जो कीट है सरसों मेथी का मोयला ये फसल के ऊपर नवंबर के लास्ट वीक में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में दिखाई देता है। नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर का प्रारंभिक जो सप्ताह होता है उसमें यह दिखाई देता है, दिखाई फसल के ऊपर दिखाई कब देता है या जाएगा यहां से हानिकारक अवस्था। हानिकारक अवस्था में लट अवस्था शिशु और प्रौढ़ दोनों अवस्थाएं होती हैं, दोनों अवस्थाएं इसको नुकसान पहुंचाती हैं। ये दोनों जो अवस्थाएं होती हैं ये पौधे की जड़ों को छोड़कर सिर्फ जड़ बचती है, इसके अलावा शेष पूरा भाग जो होता है शेष भाग इसको नुकसान पहुंचाती है। और अधिक जो प्रकोप होता है वो मुलायम तने सर्वाधिक मात्रा में जिसको नुकसान पहुंचाती है पौधे के भाग को, तो इसमें आता है तना और साथ में फलियां जो होती है इनको ये नुकसान पहुंचाता है। तने को नुकसान पहुंचाने से तने का जो कार्य होता है जल और खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाने का वो अवरुद्ध हो जाता है, जिस वजह से पौधा जो होता है वो पीला पड़कर सूख जाता है, अंत में नष्ट हो जाता है। फलियों के अंदर बनने वाले जो दाने हैं नहीं बनते, बनते हैं तो कम बनते हैं, जिससे इससे निकलने वाला जो तेल है उस तेल का उत्पादन वो बहुत ही कम होता है, उत्पादन बहुत ही कम रहता है।
इसी के साथ इसके द्वारा मधुश्राव होता है। इस मधुश्राव के कारण पौधों के ऊपर काले जो कवक होते हैं, काले कवक, इनका प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो यहां पर ये इसके द्वारा, खुद के द्वारा नुकसान जो पहुंचाया जा रहा था उसके अतिरिक्त भी नुकसान होता है, क्योंकि इसके उदर में पाए जाने वाले जो नौखंड है उनमें मोम ग्रंथियां होती हैं, और स्रावित होने वाला मधुश्राव इस पौधे के ऊपर फैलता है, गिरता है, जिससे वो अट्रैक्ट करता है काले कवकों को, और काले कवक भी उसके ऊपर आकर इसको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है। तो इस प्रकार से मेथी या सरसों का जो मोयला है, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन इसके लक्षण और क्षति और महत्व, टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें।